तो यहाँ पर अमेजोन से मैंने एक मोबाइल MI पे लिया था, तो मुझे उसकी रिपेमेंट करनी है समथिंग, मेरी MI है। तो अमेजोन पे लेट पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरी जो MI है वो शो कर जाएगी। अभी कल की थी लेकिन अभी 6 मई हो चुकी है, 5 मई को हर 5 तारीख को MI आती है इसकी। तो अभी मैं इसको रिपेमेंट करने वाला हूँ, अभी कोई चार्जेस नहीं लगे। अगर एक दिन ड्यू हो जाता है तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन लग भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ, मुझे तो एक दिन पर नहीं लगते हैं, 7 हो जाती है। एक जैसे 5 को डेट आती है, यहाँ पर जैसे 5th, यहाँ पर रीपे ड्यू बाय 5th ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की 5 तारीख को ड्यू डेट होती है। एंड 6 हो चुकी है लेकिन अभी भी कोई लेट पेनल्टी नहीं लगी है मुझे। 7 को 100% लग जाएगी, मुझे पता है, पिछली बार लग गई थी मेरे पे, 7 तारीख हो गई थी, इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे। हम यहाँ पे पे क्लिक कर देते हैं। इतना मेरा अमाउंट है जो कि मेरा किस्त है MI मोबाइल की, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। आउटस्टैंडिंग इतना मोबाइल का बिल है टोटल, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इतना तो मेरे पास नहीं है लेकिन इतना जो है वो मैं पे कर रहा हूँ। आप चाहो तो पूरा भी एक बार में कर सकते हो, उससे कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए पहले तो। अगर आपके अमेजोन में कोई अमेजोन पे UPI है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे अदर UPI एप्स पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट UPI, तो आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं क्रेडिट UPI सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं पे क्लिक करूँगा तो क्रेड ऐप मेरा चालू है, उससे थोड़ा बहुत कैशबैक भी मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे इससे पेमेंट करने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हो क्रेड एप्लीकेशन की वीडियो देखना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। तो मैंने UPI पिन डाल दिया, अब मैं यहाँ पे डन करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो डन हो चुका है। 2433 रुपये का बैंक ऑफ इंडिया से ये पैसे कट चुके हैं। और अभी हम देखते हैं कि अमेजोन पे लेटर का बैलेंस सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो रीपेमेंट रिसीव्ड हो चुकी है और जो हमारी लिमिट है वो बढ़ चुकी है, 17,899 हो चुकी है जो कि 15,000 कुछ समथिंग थी। इस तरीके से अगर आपका भी कोई अमाउंट है आउटस्टैंडिंग तो आप उसे इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं।